Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss class 8 subject science holiday homework 4th week summer vacation 2024-25. In this video we will discuss question number 11. Okay, right. स्टूडेंट्स ठीक है, आप लोग सब कमेंट्स में लिख रहे हैं कि कौन कौन सा क्लास का अपलोड करेंगे। अच्छा, क्लास 6 के बच्चे कहाँ गए? वो लोग थोड़ा बहुत लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अच्छा, क्लास 8 बच्चे ना मेरे को छोड़ते नहीं, ये क्लास 8 मैंने शुरू कर दिया ना, वो लोग पीछे पीछे लगते पूरा लग चुके हैं कि ये साइंस के बाद फिर इंग्लिश करिए, फिर इंग्लिश के बाद ICT करिए। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ से ना वो कमेंट में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि जो मेल आता है ना, मेल आने से मैं उनको एक शॉर्टिंग कर लेता हूँ, उसी हिसाब से फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, सबको जल्दी है मैं समझता हूँ, धीरे धीरे करेंगे सब। इसके बाद जो क्लास 8 का इंग्लिश के लिए बहुत सारे कमेंट आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्लास 7 का इंग्लिश कर लेंगे, फिर क्लास 6 का भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अच्छा, ये सॉइल रे न्यूट्रिएंट जो रिप्लेनिश रो अर्थ होची पुनःपूर्ति, पुनःपूर्ति माने पुनःभरण, अर्थात कौन से गोटे जिनस जदि सरीज ताहले ताकु आउ थरे जो भरपूर करिया प्रक्रिया को रिप्लेनिश कह जाए। तो ये क्वेश्चन रो अर्थ होला कि जो सॉइल रे माटी रे जो न्यूट्रिएंट गुड़ाक रिप्लेनिशमेंट अर्थात सरीगले पुणी पुनःभरण क्यों क्यों उपाय करा जाए, डिफरेंट वेज गुड़ाक लिखिब। ठीक, एथेरे से मैनोरिंग भी आसो, मैनोरिंग कहले जो कृषक मैंने जो खत सार आड करते सीटा गोटे हो पार। तुम्हें क्वेश्चन रो आंसर एमती स्टार्ट कर, देख द थ्री वेज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अच्छा, ये थ्री वेज खाली लिखी ए नुए, हाँ ना डिफरेंट वेज जगह लिखले भी चलो। तीनोटी उपाय विषय आम डिस्कसन करवा। द थ्री वेज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल आर द, एटी वन एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअर, तमाने फर्टिलाइजर सर मैनुअर खत खत सार को आड करवा मटी में, तापर टू रे लिख ग्रोइंग लिजुमिनस क्रप्स। ये जो लिजुमिनस क्रप्स मैंने डाली जितिय जिते सब ये क्रप्स गुड़ाक आम ग्रो करवा मटी में। नेक्स्ट थ्री रे क्रप रोटेसन, क्रप को रोटेसन कर पे एगुड़ा सम्यक मीनिंग मानने जो क्विक मीनिंग जो कहते ना सर्टकट मीनिंग आगे कह दीजिए, तपर एक्सप्लेन करके पुणी लिखे यहाँ टी लंग टाइप क्वेश्चन हम। तो देख ये जो फास्ट लाख गोटे उपाय है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर मैनुअल, ये क्लीयरली बुझे खत सार आड करवा बास। तापर सेकेंड जो ना ग्रोइंग लिजुमिनस क्रप, ये जो लिजुमिनस क्रप गुड़ाक जब ग्रो करवाता जो एने सिम्बायोटिक रिलेसनशिप रही था राइजोबियम, राइजोबियम गोटे बैक्टीरिया, बैक्टेरियम नेम सिंगुलर बैक्टीरियम प्लूराल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नेम जीए कौन क्या आटमोसफियर रू नाइट्रोजेन फिक्स कर दिए रूट्रे, ये जो लिजुमिनस प्लांट मान रूट्रे आउ से रूट रू ये मटीर सोल्युबुल फॉर्म रे मिसी जाए, सोल्युबुल माने पानी रे मिसी परिबो जंती। तापर हे वाटर ड्रैग हे कि जीव प्लांट टाणिबो, तापर प्लांट पाई परिबो न्यूट्रिएंट ने नाइट्रोजन गुटे न्यूट्रिएंट बुझेला। क्रॉप रोटेशन रे कोन हे ना प्लांट थरे करिवे गोटे प्रकार रो क्रॉप, तापर पर आ गोटे क्रॉप करिवा जरूरी माने से समानटा गोटे सीजन रे संगे संगे तापर 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 करिवानी, कारण ए जो क्रॉप माने अछंती फसल माने एमाने भिन्न भिन्न न्यूट्रिएंट गुडा को आवश्यक करथांती भिन्न भिन्न परिमाण रे, तेणु खाली जदि प्याडी करदे आउ व्वेट करदे तो नाइट्रोजन पूरा खत्म हो तेणु प्याडी परे परे जदि लिजुमिनस करदे मैंने धान परे परे करदे डाली जातीय तेल धान जैसे टाणी नहीं थोड़ा नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पुणी ऑटोमेटिकली नेचुरली रिप्लेनिश हो जाइए जदि डाली जातीय करदे। अंडरस्टूड? अच्छा, तुम्हें एति लिख या परे परे गोटी गोटी के सब एक्सप्लेन कर, देख तापरटा लिखो फर्टिलाइजर विषय एमती ही लिख लिखी आउटा बुझे बुझे नौ तुम्हें लिख फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासीयम एटसेट्रा। तो ये फर्टिलाइजर मानुअर ये सब नाइट्रोजन मैंने था, सो व्हेन फर्टिलाइजर्स एंड मानुअर्स आर एडेड टू द सॉइल इन द फील्ड देन द सॉइल गेट्स एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासीयम। क्लियर बुझेगा? तो युवा जो आड करवा मटी से गुड़ाक रिच हे न्यूट्रिएंट रिच। तापर पर लिखी जो लिजुमिनस प्लांट सेटा पुणी ये आउ गोटे पॉइंट देखिए लिख लिख राइजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रही है लिजुमिनस प्लांट रे आउ ये एटमॉस्फेरिक अर्थात वायुमंडल में थिबा नाइट्रोजन को ये कौन कर नाइट्रोजन कंपाउंड रे परिणत कर दबो। तापर
सो व्वेन ए लिजुमिनस क्रप इज ग्रोन इन द फिल्ड तेणु जो गोटे लिजुमिनस प्लांटे आम ग्रो करवा फिल्ड रे द राइजोबियम बैक्टेरिया प्रेजेंट इन द रूट्स नड्यूल्स से जो राइजोबियम बैक्टेरिया जे रूट नड्यूल कहे चेरगंठी मनकर जी रहती अफ लिजुमिनस प्लांट लिजुमिनस प्लांट र कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस अफ एयर इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो आटमोस्फियरिक जो नाइट्रोजन को आने नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट कर दिखती। नेक्स्ट लिखा क्रप रोटेशन इच क्रप यूजेस मोर अफ सम न्यूट्रिएंट्स एंड लेस अफ द अदर्स तो प्रत्येक जो क्रप मैंने अच्छे से गोटे प्रकार न्यूट्रिएंट को अधिक परिमाण ग्रहण करती आउ केतक न्यूट्रिएंट को लेस परिमाण ग्रहण करती। फार्मर्स देयरफॉर चेंज देयर क्रप्स इन इच सीजन प्रत्येक ऋतु से कृषक मैंने परिवर्तन करते सो दैट जपरिक द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड डिप्लीटेड कहे रिडक्टेड मैंने कमी जपरी मटी कमी नफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कौन से निर्दिष्ट परिमाण न्यूट्रिएंट जमी कमी नजर दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन यह क्रॉप रोटेशन कहा जाए। फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस यूजर्स अफ लार्ज अमाउंट अफ नाइट्रोजन फ्रम दिस सॉइल उदाहरण स्वरूप गहम धान अधिक परिमाण में नाइट्रोजन ग्रहण करपर क्रॉप रोटेशन करके पुणी रिप्लेनिश करवा अर्थात पुनःभरण करवा। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ऑल्सो डू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन कीप लर्निंग स्टे कनेक्टेड थैंक यू वंदे उत्कल जननी।